नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। सिर्फ 13 मिलियन गांव में 15 पंचायत है, 13 पंचायत पीएचडी विभाग द्वारा पहले से किया गया है, जिसमें और दो वार्ड में 4 बोरिंग मतलब हमने पंचायत से किया, एक भी मतलब घर बचा नहीं है जिसका घर में पानी नहीं पहुंच गया है। करीब करीब 3500 घर में कनेक्शन हुआ है। सर, मुख्यमंत्री जी के 7 विषय योजना था जिसमें से 2 मुख्य योजना महत्वपूर्ण था, एक जल नल योजना और एक गली नली सड़क योजना। तो जल नल योजना को आपने बताया कि 13 वार्ड में जो है पीएचडी द्वारा किया गया, 2 वार्ड को आपने अपने नज़र लगने संज्ञान में लेते हुए की। अभी का जो वस्तु स्थिति है कि पीएचडी द्वारा किए गए कार्य में और आपके द्वारा किए गए कार्यों में कितना तालमेल है, और आपकी जाँच के अनुसार क्या सब जगह पानी सही पहुँच रहा है? 100% घर में पानी जा रहा है, टाइमली जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं है, वो सब कम्प्लीट है। सर, जगह स्वच्छ पानी पहुंच रहा है। मेरे उसी में दूसरा मुख्यमंत्री 7 विषय योजना में है गली नली सड़क योजना, इस पर कितना काम हो पाया? करीब करीब सब जगह काम तो हुआ है हर वार्ड में, और काम भी मतलब देख सकता हूँ, हमको देख लीजिए जी, समझ में आ जाएगा जी। मैं आपको बता दूं कि मैं आज जब इनके दौरे पे था, दोपहर में मैं सेमिनार के दौरे पे था, कुछ क्षेत्रों में गया, कुछ वार्ड में गया, वहाँ मुझे देखने को मिला कि काम हुआ है और पाइप भी बिछी हुई है। लोगों से जब हमने जाना तो लोग कहे कि सुबह और शाम पानी हमें मिलता है, गली नली की स्थिति भी ठीक थी। एक समस्या थोड़ी सी दिखी कि पानी जो वेस्ट पानी है, खराब पानी जो नली के माध्यम से निकलता है, उसको व्यवस्थित करना पड़ता है कि कहाँ वो निकाला जाए, इसकी एक समस्या थी सर। इसमें कुछ अभी फिलहाल तो पहले से तो बहुत बड़ा गड्ढा उड़ा है रेलवे लाइन के पास में, उस पर जाकर पूरा पानी गिरता है, गंगा जी में पानी गिरा नहीं सकता जी। समुदाय गाँव का पानी सीमेंट करके टावला रोड के द्वारा मतलब अभी वही गड्ढा है उसे निकाला है जी। अब हम बात करेंगे सर कि इंदिरा आवास जो अभी प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो गया है, उसके तहत लिस्ट में कितने लोगों का नाम मिला और कहां तक आप इसको पूरा कर पाए? लिस्ट में जितना भी नाम था सबको हमने पूरा कर दिया, एकदम जीरो हो गया, एक भी आदमी नहीं बचा है जी। उसके बाद मतलब सरकार ने वेबसाइट खुला था तो नाम जोड़ने का मतलब किया था, तो उसमें 502 आदमी का नाम उसमें जुटा है, शेष 400 का नाम रखा हुआ है, वेबसाइट बंद है, जब खुलेगा तो उसको भी करवा करके उसको ठीक करवाएंगे। मतलब कि इंदिरा आवास में जो है सारे लोग का पूर्व पूर्व का लिस्ट समाप्त हो गया सर। इसमें वैसे लोग का भी लिस्ट आ गया क्या जिनमें जिनका घर पक्का मकान हो और उन्हें ऐसा नहीं हो पाया? क्योंकि ये समस्या रही है सर कि जब पहले जो लिस्ट बना है उस लिस्ट में जब लिस्ट बनने के क्रम में ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जिनके पास पक्का मकान है, और उस बहुत समस्या आई है कि उसको कैसे निर्गत मतलब निरस्त किया जाए और कैसे झुकी झोपड़ी जिनके पास घर नहीं उनको दिया जाए, ये समस्या पहले ही था। इसका है सरकार का गाइडलाइन, पहले 0/1/2 अगर पहले बेघर को देना है, फिर परिवार ज़्यादा है उसका एक ही कमरा है उसको भी देना है, तो ऐसे लोगों को मतलब कुछ दिया गया है, लेकिन बाकी मतलब जो बेघर था उसी को मतलब मिला है। अब हम राशन कार्ड की बात करेंगे सर कि राशन कार्ड की क्या स्थिति है और कितने लोगों तक, क्योंकि आपको पता है कि राशन कार्ड के माध्यम से जो है गरीब लोगों तक अनाज उपलब्ध होता है जिससे वो अपने भरण पोषण कर सकते हैं, तो कितने लोग तक ये पहुँचे? जितने लोगों का एप्लीकेशन मेरे पास में आया है सबका मतलब हो गया है, क्योंकि 305 नाम मेरे पास में आया था, 305 का कार्ड बन गया है, कुछ लोग ऑनलाइन डायरेक्ट कितना करवा रहे हैं अभी हुआ है। अब हम बात करते हैं मनरेगा की, मनरेगा गरीब मजदूर जो बाहर काम नहीं पाते हैं, जिनको काम नहीं मिल पाता है, उनको मिनिमम दर पे हम लोग काम देते हैं मनरेगा के तहत, जिनको उनका रोजगार उनको आर्थिक लाभ हो सके, तो इस पे सब कितना काम कर पाए कौन कौन सा? जितने लोग का जरूरत था जो भी काम मांगे सबको मनरेगा के तहत करके काम किया गया है, राजी से हुआ है, बड़ा ही हुआ है जी। शौचालय भी एक था स्वच्छ भारत के तहत, आपको भी पता है कि हमारे बिहार में खासकर जो होता है शाम में या रात में जो है सुबह में जो है लोग सड़क किनारे चले जाते हैं शौच करने के लिए, जिससे कि काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पूरे भारत में स्वच्छ भारत के तहत जो है शौचालय निर्माण आया, हर घर शौचालय करके आया, तो शौचालय का निर्माण आपके पंचायत में कितना हुआ, कहाँ तक पहुँचा? 100% हो गया है, 650 मतलब घर बना है, शौचालय बना है, और मतलब ODF भी हमारा पंचायत हो गया है जी, कहीं कोई अथी बचा हुआ है। बहुत अच्छी बात है सर, ODF भी हो गया है पंचायत। अब हम बात करते हैं सर आयुष्मान भारत कार्ड की, जिसके तहत गरीबों को 5 लाख तक जो है मतलब बीमारी यदि कुछ हो तो उसके इलाज के लिए उपलब्ध सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, तो आयुष्मान भारत के तहत कितना कार्ड बन रहा है, क्या क्या 811 जो मतलब मेरे पास अथी आया था वो बन गया है सरकार, कुछ निर्गत भी हो गया, निर्गत हो रहा है।
सर इसमें एक समस्या थी, राशन कार्ड में कुछ दिक्कतें आई हैं जिस कारण से जो है मतलब कि कार्ड बहुत लोग का रहते हुए भी राशन कार्ड होते हुए भी बीपीएल कार्ड होते हुए भी नहीं बन पाया है, ऐसा कुछ मामला आपने भी ऐसा जो कुछ भी आया उसको सुधार करके हो गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे सर जल हरियाली की, तो उस पर कितना काम करता है? उसमें मतलब वो थोड़ा बहुत हुआ है और फिर हम लोग प्रयास में हैं, जितना संभव होगा उसको करेंगे। चुनाव नज़दीक है सर, जनता के बीच आप जा रहे होंगे, लोगों से मिल रहे हैं, किस तरह का प्यार स्नेह मिल रहा है जनता से? हम तो पूरा एहसास है कि जो काम किया है उसका जनता लोगों को कर रहा है, लेकिन आप भूल लीजिए आपको ज़्यादा मतलब पता चलेगा। जी मैं जब घुमा हूँ तो ज़्यादा पता चला है मुझे लोग का प्यार स्नेह इनको मिल रहा है। उनका कहना है कि चूँकि विकास हुआ है तो इस विकास के लिए यदि दोबारा प्रत्याशी बन के खड़े होते हैं तो हम लोग इनको ही वोट करेंगे और फिर से मुखिया बना के विकास के लिए बातें करेंगे। कौन कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं चुनाव में? विकास का मुद्दा है। क्या इन 5 सालों में जब आप दौरा किए तो ऐसा कोई चीज़ दिखा जो लगा कि सामाजिक स्तर पे इस पर भी काम किया जा सकता है? हमारे गांव में पहले बहुत ज़्यादा मतलब केस मुकदमा रहता था जी, जो मतलब हम लोग चुनाव के पूर्व कहते कि गांव का समस्या हम लोग बैठ कर गाँव में निदान करें जी, उसका परिणाम है कि आज 5 साल में पूरे मतलब 5 साल में 4 से 5 केस कोर्ट गया है, बाकी सब पर निपटारा अपने पंचायत में हो गया, वो भी करीब करीब मतलब कंपनी की स्थिति में है, एक बढ़िया जिला है। जनता को हमारे टीवी के माध्यम से चुनाव को लेते हुए और कोरोना काल को लेते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में यही कह रहे हैं कि सब लोग अपना सेफ्टी बरतें और जितना संभव हम लोगों से हो पाएगा उसके लिए तत्पर हैं, मदद किया है, करेंगे, करते रहेंगे। चुनाव के लिए कोई संदेश? प्रमुख साहब चुनाव के लिए जनता के साथ समझिए, हम तो अपना काम करिए, काम का कीमत जिसमें जनता दे। चुनाव के लिए संदेश, जनता जनार्दन है, जनता जैसा चाहेगी, यदि वर्तमान फिर से यदि प्रत्याशी बन के जाएंगे तो यदि जनता जीता के यदि लाती है तो फिर से मुखिया बनेंगे और विकास की जो बातें हैं, विकास जो मैंने अभी तक किया है उसमें जो त्रुटि रह गई है वो सारे चीज़ों को लेते हुए फिर से नेक्स्ट मुखिया बनने के बाद उसको पूरा करेंगे और पूरा करते हुए विकास की नई बातें, विकास की नई गाथा जो है इस पंचायत में हम लिखेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इस बार आदर्श पंचायत नहीं हो पाया, अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इस आदर्श पंचायत बन के एक नई विकास की गाथा, एक नई विकास की बातें जो है हम इस पंचायत के लिए कर रहे हैं। आप देखते रहे मिशन 24। नमस्कार।